हेलो एवरीवन, मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन का दानेदार हलवा, और देखिए ये हलवा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। और इस हलवा को हम मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, तो चलो मैं बनाना शुरू करती हूँ। बेसन का हलवा बनाने के लिए हम एक कप बेसन लेंगे, टोटल आधा कप घी लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, घी को 2 टेबल स्पून अभी हम बेसन में डाल देंगे और 2 टेबल स्पून दूध डाल देंगे और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारा बेसन एकदम से दानेदार हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो बेसन गीला हो जाएगा तो हमारा हलवा अच्छा बनके तैयार नहीं होगा। और ये अब इस तरह से हो गया है बेसन। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इस बेसन को मिक्सी के जार में डाल देंगे और इस बेसन को हमें ज़्यादा देर नहीं पीसना है, बस 2 से 3 सेकंड के लिए पल्स मोड पर बस मिक्सी चलानी है। देखिए ये कितना दानेदार हो गया है बेसन। और अब हम इस बेसन को एक साइड रख देंगे और हलवा के लिए अब हम चाशनी बनाएंगे। सबसे पहले तो चाशनी बनाने के लिए हम 1 कप घी ले रहे हैं, 1 कप पानी डाल देंगे और 1/2 कप और पानी डालेंगे। 1 कप चीनी और 1.5 कप पानी लिया है मैंने, और चीनी को गलने तक पकाएंगे। तो अब चीनी पूरी तरह से गल गई है, अब हम इसकी चाशनी बनने देंगे। और चाशनी हमें कोई एक तार की नहीं चाहिए, बस चपकने तक हम चाशनी बनाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, चाशनी में हम कुछ केसर के स्टैंड डाल देंगे, उसको अच्छे से पकने देंगे। जब तक ये हमारी चाशनी पक रही है तब तक मैं एक काम और कर लेती हूँ। मैंने मिक्सी का जार लिया है, तो अब हम जार में ये 1/4 कप बादाम लिया मैंने, तो बादाम को भी दरदरा पीस लेंगे। देखिए बादाम भी हमने दरदरे पीस लिए हैं, तो बादाम को निकाल लेंगे कटोरी में और इन बादाम का हम यूज बाद में करेंगे। तो देखिए अब हमारी चाशनी बनके तैयार है, तो हम चाशनी को गैस से हटा देंगे। अब हम गैस पर फिर से कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई में जो 1/2 कप घी बचा था वो डाल देंगे पूरा, और घी को गर्म होने देंगे पर ज़्यादा नहीं करेंगे। अब घी हल्का गर्म हो गया है, तो मैं थोड़ा सा बेसन डाल के देखती हूँ। देखिए और इतने ही गर्म में बेसन डालें तो बेसन अच्छे से सिक्के तैयार होता है। तो इसको अब हम बराबर चलाएंगे, और हमने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर रखा है। अब हम लो आंच पर बेसन सेकेंगे। हलवा कोई भी हो, सूजी का, आटे का, उसको लो गैस पर ही सेंके तो उसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, उभर के टेस्ट आता है। देखिए बेसन कितना झाग झाग की तरह हो गया है, और बेसन ने अच्छे से घी रिलीज कर दिया है। लेकिन अभी हम इसको और थोड़ी देर सेंकेंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे, और गैस भी हमने लो कर रखी है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये बादाम पीस के रखी थी, तो बादाम हम इसी स्टेज पर मिला देंगे इसमें, जिससे कि हमारी बादाम भी अच्छे से सिक जाएगी बेसन के साथ। देखिए अब बेसन का कलर कितना चेंज हो गया है, और अभी हम इसको थोड़ी देर और सेकेंगे, कुछ 1 मिनट तक। देखिए बेसन का कलर चेंज हो गया है पूरी तरह से। अब हम इसमें क्या करेंगे, मैं हलवा में 1/2 कप दूध डाल रही हूँ, और 2 टेबल स्पून दूध मैंने पहले यूज कर लिया था, तो बाकी का दूध अब हम ऐड करेंगे और दूध थोड़ा कर करके डालें और इसको मिक्स करते जाएं, बाकी का दूध भी डाल देंगे। और ये जब पूरी तरह से सूखा हो जाए उसके बाद इसमें जो हमने चाशनी बना के रखी है वो डाल देंगे। अब
ये देखिए पूरी तरह से सूखा हो गया है, तो अब हम इसमें चाशनी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम गैस की आंच को थोड़ा बढ़ा लेंगे, ज़्यादा नहीं, और हलवा को आप बराबर चलाते रहेंगे जब तक हमारा हलवा पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। देखिए हलवा का कलर कितना अच्छा आया है, एक बार आप मेरी तरह से हलवा बना के देखिए, आपका हलवा बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा और ये हलवा घर में सबको पसंद आने वाला है। एक बार आप बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा, बड़े से लेके बच्चों को सबको पसंद आने वाला है ये हलवा। और इसको अब हम थोड़ी देर और गाढ़ा करेंगे। अब हलवा पूरी तरह से बन के तैयार है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा, तो अब हम इसको इसी स्टेज पर उतार लेंगे गैस से। देखिए हमारा हलवा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। हलवा को पिस्ता की कतरन से गार्निश कर देंगे। देखिए अब बेसन का हलवा पूरी तरह से बनके तैयार है। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।